हेलो एंड वेलकम आज के इस वीडियो में हम आईआईटी जेएम 2020 से एक और क्वेश्चन uh, करेंगे ठीक है क्वेश्चन है बेस्ड ऑन लिमिट्स दो लिमिट्स दे के रखिए हमने इवालवेट करके ये बोलना uh, है कि इनमें से ट्रू कौन सा है ठीक है यहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं ठीक है सो लेट्स ट्राई जो पहला है, पहली लिमिट है दैट इज़ ए दैट इज गिवन टू बी लिमिट एन अप्रोचिंग टू इनफिनिटी फिर वन अपान एन स्क्वायर प्लस टू अपान एन स्क्वायर प्लस सो ऑन अप अपू एन माइनस वन अपान एन स्क्वायर आप ठीक है ये है ठीक है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज लिमिट एन गोज टू इनफिनिटी ठीक है अब डिनिनेटर इनका सेम है सो वी कैन राइट इट वन प्लस टू प्लस सो ऑन प्लस एन माइनस वन तक डिनोमिनेटर एन ऑफ नेचुरल्स अप टू एन माइनस वन तो फार्मूला यूज करेंगे सो फार्मूला आएगी एन इन एन माइनस वन अपन टू और फिर ये अपना एन स्क्वायर

So, कैलकुलेट करके हम अभी कुछ नहीं बोल सकते ठीक है अब इस पे आते हैं ठीक है अब बी पे आते हैं बी को कैलकुलेट करके आ जाएगी रिलेशन इनके बीच क्या है ये बड़ा है कि बी बड़ा है ठीक है सो लेट्स सॉल्व दिस वन ये लिमिट एन अप्रोच टू इनफिनिटी है ठीक है वन अपान एन प्लस वन है प्लस वन अपान एन प्लस टू है प्लस प्लस वन अपान एन प्लस एन है ठीक है सो वी कैन राइट इट एज लिमिट एन गोज टू इनफिनिटी, तो इस सब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन अपान एन प्लस के वायर के ए फ्रॉम वन टू एन नौ यहां पर हम यूज करेंगे इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम करना क्या है मैं आपको बता रहा हूं दिस इज एज इट इज वन टू एन यहां पर हम एन कामन निकाल के हमारे पास आएगा वन प्लस के बाई एन ठीक है इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम करने का तरीका है वी विल रिप्लेस दिस के बाय एन एक्स ये करेगा वन बाय एन जो है डी एक्स ठीक है और साथ में जब के वन होगा ठीक है एक्स हमारा होगा वन बाई एन विच टेंस टू जीरो एज एन गोज टू इनफिनिटी तो के वन एक्स जीरो इसी तरीके से जब के क्या होगा एन होगा तो यहाँ पे आप एन डालोकेट बिकम एन बाई एन तो एक्स उस टाइम वन होगा सो दिस समेक शेप ऑफ एन इंटीगल विच स्टार्ट गोज फ्रॉम जीरो टू वन वन बाय एन की जगह डी एक्स और वन प्लस के बाई एन कीजिएगा एक्स ये है बी तो इसको सॉल्व यू विल गेट लॉगरिथम ऑफ वन प्लस एक्स बेस ई रहेगी जीरो टू वन ठीक है जो आएगा लॉगरिथम ऑफ 2 टू बेस ई माइनस लॉगरिथम ऑफ वन तो जीरो है लॉगरिथम ऑफ दिस जीरो पॉइंट सिक्स 901 समथिंग ठीक है जो भी है दिस इज द वैल्यू ऑफ बी इसकी जगह जीरो है जब आप ये कंपेयर करोगे बी आप देखोगे बी इज ग्रेटर देन ए ठीक है तो ये ऑप्शन ठीक करेक्ट रहेगा ये इनकरेक्ट ठीक है बिकॉज़ 0.69 एंड दिस इज 0.5 द बेस इज ई तब जाके 0.69 ठीक है आगे जब आप ए बी करोगे ना ए बी अभी आपका ये आ रहा है बी आ रहा है लॉग ऑफ टू दिन टू बी आपके पास आएगा ए तो वन बाई टू है वो बी जो है लॉग ऑफ टू बेस ई ठीक है यहाँ पे एल एन बोले तो नेचुरल लॉग ठीक है दैट इज बेस ई जब ये करोगे लॉग ऑफ एम पावर एन इज लॉग ऑफ एम लॉग ऑफ एम लॉग ऑफ एम पॉवर एन बेस ई इज एन लॉग ऑफ एम तो वो यूज करके आपका ये आएगा ए इंटू बी आएगा ठीक है अब इसको लिखने का तरीका जब ई e नहीं लिखोगे देन यू कैन डायरेक्टली राइट एल एन ऑफ रूट टू इट्स अंडरस्टूड इट्स द नेचुरल लॉग सो बेस इज ई तो ये करेक्ट रहेगा ठीक है अभी आप ऑप्शन डी को देखोगे जब आप ए अपान बी लिखोगे

हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ठीक है लाइक भी करें शेयर भी करें और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना वो डाउट पूछ भी लें ठीक है थैंक यू